और हेल्थ कार्ड चलने का है, और जो बच्चे हजारों बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करने का है, ऐसे दीगर चीजें करीब 6 डिमांडों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। सरकारी मुलाजिमीन का 27 फरवरी को मुल्क भर में यौम मतालबात मनाएंगे। तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने बताया कि सरकारी मुलाजिमीन तमाम अजला में एहतजाज करेंगे और वो खुद भी लंच के वक्फे के दौरान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिस गनफाउंड्री के पास मुलाजिमीन के इस्तेमाल से खिताब करेंगे। बोलिए। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जानिब से कल तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद सिटी, तेलंगाना एनजीओ संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ये तीन डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के साथ हमारे तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल यूनियन के सदर जनाब रविंद्र रेड्डी साहब, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र साहब के सदारत में कल इंशाल्लाह 1 बजे से 2 बजे तक डिमांड्स डे कर धरना मुनक्किद किया गया, लंच अवर डेमोन्स्ट्रेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें करीब 2000 सरकारी मुलाजिम हिस्सा लेंगे। इसका मेन हमारे जो डिमांड्स है, इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है 2004 से, वो उसको हटा देके पुराने पेंशन स्कीम लाने की डिमांड की गई, और पीआरसी जो हमारा पीआरसी आने का है, पे रिवाइज कमीशन, हमारे रियासती सरकार से आपके जाने से हम डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट पीआरसी अनाउंस करने का है, और हेल्थ कार्ड चलने का है, और जो बच्चे हज़ारों बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करने का है, ऐसे दीगर चीज़ें करीब 6 डिमांडों के साथ कल 1 बजे से 2 बजे तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डीओ हैदराबाद में मीटिंग मुनक्किद की गई, और आपके जानिब से आपके तवज्जो से मैं तमाम सरकारी मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और सुपीन एम्प्लॉइज को भी इसकी दावत देता हूँ, और बड़े से बड़े पैमाने पर हासिल होकर हमारा जद्दोजहद जो है, हमारी जो आवाज़ है, ये हमारे रियासती सरकार को और मरकजी सरकार को भी वहाँ तक ये आवाज़ सुनाना है, क्योंकि जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, जब तक हम कोई हमारे तरफ से हरकत नहीं होगी, फिर यह सरकार सुनने वाली नहीं है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह उनके बात पर भी भरोसा है, तो चीफ मिनिस्टर साहब भी सरकारी मुलाजिमों के तकलीफात को मद्देनजर रखते हुए पीआरसी इमीडिएट अनाउंस करने की आपसे ख्वाहिश। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत, गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए, डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्राइन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।